माइनस टू ये किसकी डायमेंशन है? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जहाँ तक हमको पता है फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन, मोमेंट ऑफ फोर्स का न्यूटन मीटर, और मोमेंटम का भी न्यूटन होता है, एंड पावर का बताइए न्यूटन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका होता है वर्क बाय टाइम, मोमेंट ऑफ फोर्स का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा कि हमको पता है न्यूटन, न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम केजी को किस में चेंज करते हैं, मास में एम, मीटर को एल, और एस स्क्वायर एज ए इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं टी टू पावर माइनस टू, ठीक है। अब हमको जब इतना पता चल गया कि एम एल टी टू पावर माइनस टू फोर्स का है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स में डी के मल्टीप्लीकेशन, एक डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये क्या दे देगा, एल स्क्वायर दे देगा। तो ये किसका डायमेंशन है, मोमेंट ऑफ फोर्स का। अगर वही पावर रहता तो इसमें एक टी टू द पावर माइनस क्यूब आ जाता, क्यों, क्योंकि वर्क का क्या होता है, वर्क भी होता है सेम, वर्क इक्वल टू होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। अब वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू क्या, डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस के पर आप वर्क करेंगे वही होता है, ठीक है, अपॉन टाइम है, तो ये एक एक्स्ट्रा है तो टी टू पावर माइनस थ्री आता है, तो ये हो गया आपका पावर का, पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम, मोमेंटम होता है एफ इंटू एम ए, एफ इजकल टू एम ए यानी मास इंटू एसेलरेशन, और एसेलरेशन हमको पता है ग्रेविटी के टर्म में लेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो न्यूटन की एक यूनिट ये भी है, न्यूटन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लाइट ईयर इज, लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर ऐसा कुछ मत समझिए कि डिस्टेंस जो भी लगेगा, टाइम टेकन लगेगा सन की रेज को अर्थ पे पहुंचने में, उसको लाइट ईयर कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट ईयर जो है वो एक डिस्टेंस मापने की यूनिट है, इकाई है, जो फ्री स्पेस में मापा जाता है, जो भी टाइम टेकन, जो भी समय लगता है स्पेस में लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक साल में, उसको कहते हैं हम लाइट ईयर। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ इज, अगर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो उस वहां पे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है? तो हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का अपना फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टू पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है। और जैसे ही ये स्पेस की बात कर रहा है, सैटेलाइट के अंडर ग्रेविटी क्या होती है अपनी, जीरो। देखा होगा आपने बहुत सारे फिल्मों में कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं वो गोल गोल चक्कर खाते रहते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जीरो है, ठीक है। तो जब जैसे ही ग्रेविटी जीरो हुआ, ये टर्म अपना क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी, तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ऑलमोस्ट बहुतों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है वो जान भी लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो स्ट्रेन इक्वल टू कुछ होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं। हुक्स लॉ के हिसाब से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, एम ओ ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको प्रेशर भी आप कर सकते हैं, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेन जो होता है ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और हमको डायमेंशन किसका पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ मीटर में ही आएगा, लेंथ मीटर में ही आएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, तो यूनिट डायमेंशन लेस हो गई, तो इसका आंसर सेकेंड हो गया। अगर हम देखते हैं स्ट्रेस की यूनिट, तो स्ट्रेस की यूनिट होती है फोर्स, फोर्स किस में होता है न्यूटन, एरिया किस में होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो अपना आंसर हो गया सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्क मॉडुलस फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड इज, तो पहले हम जान लें इनकंप्रेसिबल लिक्विड क्या होता है।
ठीक है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऐसी लिक्विड जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सके, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगी तो उसकी बल्क मॉडुलस क्या होगी। पहले जान ले बल्क मॉडुलस होता क्या है। बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है आपको प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जहां भी स्ट्रेन की बात आए, सिंपल सा आप एक चीज दिमाग में लाइएगा, स्ट्रेन समथिंग चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो जैसे यहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, इसका मतलब हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और जैसे ही इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, हमको पता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो ये कंप्रेस नहीं हो सकता, तो इसका वॉल्यूम चेंज भी नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम जब चेंज नहीं हो सकता तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया जीरो। जैसे यहाँ जीरो आया तो अपना ये टर्म किस में चला गया, इन्फिनिटी में। तो बल्क मॉडुलस किस में चला गया अपना, इन्फिनिटी में। तो इसका हो गया आंसर इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा। बॉयल्स का एक लॉ है, वो कहते हैं कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वॉल्यूम के कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स याद रखिएगा, बॉयल्स कहते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट, चार्ल्स कहते हैं प्रेशर को कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये है चार्ल्स सी, ठीक है चार्ल्स। और बी कहता है, बॉयल्स कहते हैं अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, ठीक है। और थर्ड है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहते हैं कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये तीन लॉ हैं, हो सकता है इन तीनों में से किसी में किसी एक पे क्वेश्चन पूछ दे आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, सिंपल से क्वेश्चन है ये, पास्कल के लॉ पे बेस्ड है, पास्कल के लॉ पे बेस्ड है ये, ठीक है, इसको आप याद कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन कॉपर बॉल इज हीटेड देन मैक्सिमम चेंज इन, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम कॉपर के बॉल को हीट करते हैं तो मैक्सिमम चेंज अपना किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा, एरिया में आएगा, डायमीटर में आएगा या डेंसिटी में आएगा। तो जैसा कि हमको पता है, अगर किसी भी एक कॉपर बॉल क्या है, अगर इसको सर्कुलर टाइप हम मान लें, कॉपर बॉल स्फेरिकल होता है हमें पता है, तो एरिया किस में निकलेगा, रेडियस स्क्वायर में। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। इट मींस जो मैक्सिमम चेंज होगा वो किस में होगा, वॉल्यूम में। तो ये अपना आंसर हो गया। इको इज ए टाइप ऑफ, तो इको क्या है, हमें सभी पता है कोई भी अगर बड़ी रूम है या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे अपनी आवाज टकरा कर वापस आती है, तो कहीं से टकरा कर या फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आना, तो रिफ्लेक्ट ही होता है, रिफ्रैक्ट नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टेड साउंड। इको इज एन टाइप ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रियर व्यू मिरर यूज्ड इन व्हीकल। जो भी हम बाइक चलाते हैं या फिर कार हैं, उनके साइड में जो साइड व्यू मिरर या फिर बैक व्यू मिरर, जो रियर व्यू मिरर लगा रहता है, वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, प्लेन मिरर होता है या फिर कोई भी नहीं होता है। तो कोई तो जरूरी होगा इन सब में से, ठीक है। तो अपना वो जो मिरर होता है वो कन्वेक्स होता है, ठीक है। कन्वेक्स किस लिए क्यों होता है, क्योंकि पीछे जितनी भी अपनी स्पेस रहती है उस छोटे से मिरर में कैसे दिखता है। कन्वेक्स मिरर वो होता है जो कि बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, इसीलिए आप याद रख सकते हैं, पीछे बड़ी बड़ी चीज़ें आपके उस छोटे से मिरर में आपको दिख जाती है। इट मीन्स वो बड़ी चीज़ों को छोटा कर रहा है, तो क्या होगा, कन्वेक्स। और कनकेव जो होता है, आप रिमेंबर कर सकते हैं, ये अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स में यूज होता है, ठीक है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है अपना, उसमें यूज होता है। और आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि कॉनकेव कहाँ यूज होता है। आपको पता है केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा में क्या होता है, डार्क।
डार्क अंधेरा, और जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पे आपको हेडलाइट जलानी पड़ेगी, तो हेडलाइट में क्या यूज होगा, कनकेव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग पर्पस के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मेनली दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो वेल्डिंग पर्पस के लिए हाई जो भी वोल्टेज आती है हाई, उससे हमको लो में चाहिए होता है, अपने एक्यूरेटली चेंज करना होता है हमको लो से हाई में नहीं, तो यहाँ पे आंसर जो होगा अपना स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ये दोनों रेडियोग्राफी ऑडियो को यूज करते हैं रेडियोग्राफी में, और रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर हमको पता है रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो ये कुछ अलग अलग के ट्रांसफार्मर्स हैं, इनकी कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं, मे भी हो सकता है कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। अपना क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, या पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो उस चेंजेस किस में आएंगे, डेंसिटी में, और हमको एक कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं आपको कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमको वॉल्यूम में चेंज देखना है, तो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, अगर हम वॉल्यूम को घटाते हैं तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमको इतना पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो होती है वाटर की मैक्सिमम होती है, और 0 डिग्री से हम इंक्रीज कर रहे हैं जब हीट कर रहे हैं, इट मीन्स कि जब 0 से 4 तक जाएगा, 0 to 4, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो फर्स्ट डिक्रीज होगा वॉल्यूम, देन जब 4 से 10 तक जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इट मीन्स सेकेंड में इंक्रीज करेगा, तो आंसर हो जाएगा अपना 3rd। ओके, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस को यूज करते हैं? तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर की यूज करते हैं। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और बता देता हूँ, गैल्वेनोमीटर को हम चेंज कर सकते हैं एमीटर में या वोल्टमीटर में, एक तरह से वोल्टमीटर और एमीटर एक तरह का गैल्वेनोमीटर ही होता है। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में हमको कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेसिस्टेंट का संट, ये एक हाई रेसिस्टेंट या फिर संट गैल्वेनोमीटर के कॉयल से सीरीज में अटैच करना होगा, अगर हम सीरीज में अटैच करते हैं, ठीक है, हाई रेसिस्टेंस, तो ये चला जाएगा किस में, वोल्टमीटर में। ठीक है, और एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेसिस्टेंस का कॉयल, गैल्वेनोमीटर के कॉयल से लो रेसिस्टेंस या संट गैल्वेनोमीटर के कॉयल से अटैच कर देंगे तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, और वोल्टमीटर जो होता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में या वोल्टमीटर में। अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में ऐड करेंगे, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में ऐड करेंगे। और अगर आपको इसको रिमेम्बर करना है तो एमीटर याद कर सकते हैं, लो ए आता है लो में, वी आता है हाई में, इट मीन्स वी बाद में आता है और ए बहुत पहले यानी लो में आता है, तो लो किस में ऐड होगा, एमीटर में, और हाई किस में ऐड होगा, वोल्टमीटर में। इस तरह से आप कुछ कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस आप याद भी रख पाएंगे अगर रिमेम्बर करते हैं तो, कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वाट, कितने वाट का होता है वन हॉर्स पावर? तो वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या है? तो सरफेस टेंशन होता क्या है पहले ये जान ले, सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स अपॉन
लेंथ, ये होता है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। तो फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स होता है न्यूटन, लेंथ होता है मीटर, हो गया आपका आंसर न्यूटन मीटर, सेकेंड आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ए पैसेंजर टॉस्ड अ क्वाइन इन अ मूविंग ट्रेन, इफ क्वाइंस फॉल बिहाइंड हिम ट्रेन मस्ट मूव विद मूविंग विद। यहाँ पे मिस्टेक है एक, उसे करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे जी भी आएगा, मूविंग विद, ट्रेन कैसे मूव कर रहा होगा, एक पैसेंजर बैठे हैं ट्रेन में, मतलब जो भी बोगी है उसके अंदर बैठा है, अगर वो एक क्वाइन टॉस करता है और ट्रेन एस क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, किस रफ्तार पे, एक्सेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो क्वाइन उसका पीछे गिरता है, तो जाहिर सी बात है कि एक कॉन्सेप्ट हम इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्वाइन पीछे गिर सकता है। अगर ट्रेन मूव कर रहा है अपनी स्पीड से और क्वाइन को अपर मतलब ऊपर उछाल देता है, तो क्वाइन जिस रफ्तार पे उस समय मूव कर रहा है, मान लेते हैं 5 का रफ्तार था, 5 की स्पीड थी, 5 km/s और 5 km/h उसकी रफ्तार थी, बट एट जैसे कि वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, उस आदमी जो कि ट्रेन से अटैच्ड है, ये तो वो आदमी छोड़ चुका है इस क्वाइन को, ऊपर उछाल चुका है, तो 5 किलोमीटर पे उछाला था, इस आदमी की स्पीड हो जाती है 7 किलोमीटर, जब ये क्वाइन रिटर्न होना चाहता है तब तक एक्सेलरेट करके ट्रेन कहाँ 7 पे पहुंच जाती है, तो ये आदमी आगे चला जाएगा और क्वाइन पीछे गिरेगा, इट मीन्स ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही थी, ठीक है। अगर डिसेलरेट करता तो क्वाइन आगे गिरता, और इनफॉर्म में स्पीड में चलता तो क्वाइन उसके हाथ में गिरता। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, जो गैलीलियो गैलीली ने दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आप इसे अच्छे तरीके से जान गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो इस पे बनाया जाए, और ये वीडियो कैसा लगा, हो सकती है आपको साउंड की थोड़ी बहुत ग्लिच आए, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डिवाइस नहीं थे रिकॉर्डिंग की, तो हो सकती है थोड़ी बहुत ग्लिचिंग आए, बट आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम ये ग्लिच ना हो। ओके, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, और एजुकेशन जितनी शेयर करेंगे उतनी ही बढ़ेगी, कहा जाता है नॉलेज शेयर के लिए होता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि मैं आगे भी आपकी मदद कर सकूँ, अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।